हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिन से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है गूगल में, जैसे आप आपका यूआरएल सबमिट करते हो गूगल सर्च कंसोल में तो सबमिट तो हो जाता है, लेकिन गूगल में वो चीज़ शो नहीं होता। आपके यूआरएल आप गूगल में फाइंड करते हो तो नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न में मैं इस वीडियो बनाऊंगा, इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा और क्या करना है वो भी बताऊंगा, और इसकी मेरे फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है गूगल जो क्रॉल करता है उस टाइम, क्या क्या इशू आ सकता है, ये चीज़ पहले आप चेक करो। जैसे आप वेबसाइट में जो यूआरएल या कोई ब्लॉग पोस्ट आप गूगल में सर्च करो वो दिखाई नहीं दे रहे, तो पहले उस चीज़ से पहले आपको वेबसाइट का कुछ चीज़ को पहले फाइंड करो। जैसे मेरा आपका कोई वेबसाइट है, जैसे मेरा वेबसाइट है, ये जो मेरा वेबसाइट है इसमें पहले आप चेक करो, इसमें यूआरएल के लास्ट में आप साइट मैप डॉट एक्स एम एल करके एंटर करोगे तो इसका साइट मैप सबमिट है कि नहीं ये पहले पता चलता है। देखो मेरा पोस्ट इज सबमिटेड है, ये दिखा रहा है मेरा गूगल में जो साइट मैप है सबमिट है, तो इसमें आपको पता चलेगा आपको साइट मैप ऑलरेडी सबमिटेड है। तो पहले तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका मैं और एक चीज़ बताता हूँ, और एक चीज़ ये बताता हूँ, जैसे आपका जो यूआरएल है, जैसे मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। जैसे आपका न्यू टैब में ओपन करना है, जैसे मैंने कहा चलो मैं कोई ब्लॉग पोस्ट ओपन करता हूँ, जैसे आप इस ब्लॉग पोस्ट को नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो जैसे मान के चलो ये जो ब्लॉग पोस्ट आपको ब्लॉग को ओपन कर लेना है, ये जो ब्लॉग पोस्ट है इस ब्लॉग पोस्ट आपको गूगल में दिखाई नहीं दे रहे, तो इसको कॉपी करना है। पहले इसको कॉपी करना है, इसको नोट पैड में आप कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया। अभी कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ HTTPS ख़त्म होता है इसके बाद से पूरी URL को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल में न्यू टैब में ओपन करना है और इसमें टाइप करना है साइट क्लोन, और आपने जो कॉपी किया उसको पेस्ट करना है। तो मैंने ये पेस्ट कर साइट क्लोन भी मेरा वेबसाइट का नाम स्लैश हाउ टू चूज एन ईमेल एड्रेस। तो जैसे इसको एंटर करोगे आप तो देखो रिजल्ट ऑन दिखा रहा है, और मेरे साइट पे मतलब गूगल में ये गेट इंडेक्स इन द रैंकिंग डाटा फ्रॉम गूगल, कहाँ से लिया है ये डाटा, गूगल से लिया, और आपका गूगल में ये जो URL इंडेक्स है अभी दिखाई नहीं दे रहे वो अलग बात है, लेकिन रैंकिंग नहीं है, आपका कोई इशू हो सकता है, आपका जो वेबसाइट का डिज़ाइन ठीक नहीं, बहुत सारे इशू हो सकता है। तो इसके बारे में और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, तो आपके URL को कैसे पता लगाना बता दिया। अभी जैसे आपको मैं इसको ये कोई भी जैसे होली के बारे में मैं इसको उठाता हूँ, मैं होली के बारे में एक आर्टिकल्स लिखा था कुछ दिन पहले, मैं इस ब्लॉग में सब कुछ लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे मैंने इसको कॉपी करके इसको गूगल में मैं सर्च करूँगा, जैसे मैं मेरा जो वेबसाइट में ज़्यादा दिन नहीं लिखा, इसको मैं सर्च करूँगा तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है 2000 होली फेस्टिवल्स एसेंशियल गाइड टू जॉयफुल कलरफुल, सब कुछ दिखा दिया। तो आपको ऐसे नहीं दिखा रहा है, जैसे मैंने यहाँ मेरा सब टाइटल चेक, मैं और एक टाइटल आपको टाइप करके दिखाता हूँ, कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट को मैं दिखाता हूँ क्लोज, अच्छा कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट का दिखाता हूँ, ये फिक्शनल 100 हाउ टू मीन्स इसको मैं बारे में एक आर्टिकल्स मैंने लिखा था, तो इसको कॉपी करूँगा। तो इसको मैं ये लिखा था एक हफ्ता पहले, तो इसको मैंने कॉपी करके जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया और यह एंटर मारा ओनली टाइटल, तो देखो इसमें शायद आ गया, देखो थर्ड पोजीशन में दिखा रहा है, तो फिक्शन 100 मेरा वेबसाइट है। तो ऐसे आपको नहीं दिखा रहा है तो मेरे को क्या करना है, आपको पहले क्या साइट में आपको चेक करना है, उसके बाद आपको साइट गूगल में चेक करना है, उसके बाद आपको ऐसे नहीं दिखा रहा है तो अगर इसमें जो अब मैंने जो बताया साइट करके जो URL डाल के जो मैं बताया उसको भी नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है मैं उसको भी सोल्यूशन बताता हूँ। आपको गूगल सर्च कंसोल में जाना है, मैं सर्च कंसोल ओपन नहीं किया, एक सेकंड मैं सर्च कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको सर्च कंसोल ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको देखो इसमें कुछ क्रॉल वेब वाइटल जो है और मोबाइल एबिलिटी सारे को एक बार चेक करना है। कोई भी जैसे URL है, जैसे मैं ये उसको इशू कहाँ से आ रहा है, जैसे ब्रेड कैम इशू आ सकता है आपको पता नहीं, जैसे वेलिडिटी मेरे दिखा रहा है। उसके बाद साइट मैप आपको सारी चेक करना है, ये सबमिटेड है या कांट फीस दिखा रहा है, यस ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड पर ठीक हुआ। उसके बाद आपको
उसके बाद और भी सारे चीज आपको चेक करना है, कभी यूरोर तो नहीं पोर यूआरएल, देखो मेरा 44 पोर यूआरएल है, इसकी वजह से कभी कभी शो नहीं होता। उसके बाद ब्रेड कैम इशू, साइट लिंक और इनबॉक्स, इसमें भी ईरोर तो नहीं है, तो ये सारे चीज़ चेक करना है। और सबसे मेन काम मैं जो बताता हूँ आपको, जैसे कोई यूआरएल शो नहीं हो रहा है गूगल्स, मैंने जितना तरीका बताया इसमें नहीं दिखाई दे रहे, उस यूआरएल को अब डायरेक्ट गूगल से रिमूव करो, दोबारा इसको यूआरएल इंस्पेक्टर में जाओ और उस यूआरएल को सबमिट करो, सबसे मेन बेस्ट तरीका, और परमानेंट इसको यूआरएल को डिलीट करो। कैसे करना है, रिमूवल में जाना है इंडेक्स में, इसमें रिमूवल जाने के बाद आपको टेम्पोरी न्यू रिक्वेस्ट, यह रिक्वेस्ट डालना है, रिक्वेस्ट डालने के बाद ये लस्ट, इसमें रिक्वेस्ट नया जिसमें न्यू रिक्वेस्ट डालता हूँ, इसमें आपको रिक्वेस्ट यूआरएल फ्रॉम प्रेफिक्स डालना नहीं है, रिवल फ्रॉम यूआरएल ओनली, यूआरएल को आपको गूगल से रिमूव कर देना है। जैसे यूआरएल को आप रिमूव कर दोगे ना, तो रिमूव करके आप दोबारा इसको सबमिट कर सकते हो, सबमिट करने के बाद शायद आपको ये सारे प्रॉब्लम सही हो जाए। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकता है, आप इसको जो मैं तरीका बताया इसको करके देखो, मेरे ख्याल से 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये है जैसे यूआरएल को जो रिमूवल करने का तरीका मैं बताया, ये लास्ट ऑप्शन है, पहले आपको देखो सबमिट ठीक है नहीं, मैं जो बताया site.com करके, जो site आपका एग्जाम्पल वेबसाइट डाल के जो भी आपको जो यूआरएल डालोगे तो गूगल में सबमिट है कि नहीं ये भी पता चल जाता है। तो बहुत सारे रीज़न होता है, तो जितना हो सका मैं इस पेज का मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, इसको आप पढ़ लेना, इसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन पूरा डिटेल्स है। जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता इसको गूगल ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर करना, और किसी का तो और भी कोई प्रॉब्लम आना उसके लिए बताना, मैं उसको कमेंट करना, मैं उसको जवाब दूंगा।